ओह मिनट, 31 मार्च की पीडीएफ आ जाएगी, तो लिखने की जरूरत है। 31 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, एक ना बहुत ही, ये पहला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कुछ दिन पहले भी एक करंट अफेयर मैंने तुम्हें बताया था, खैर वो मैगजीन में आ जाएगा जिनका नहीं भी हुआ। कौन सा था, इस साल आने के चांसेस हैं? नॉन फंगिबल टोकन। नॉन फंगेबल टोकन, ठीक है। वैसा ही एक और करंट अफेयर आज आया हुआ है। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक ना गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्वेश्चन आया था, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड होती है आपके जो आपके एमपीज होते हैं ना, उन्हें फंड दिए जाते हैं हर साल 5 करोड़ दिए जाते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पे भी खर्च करना चाहें वो खर्च कर सकते हैं, जहां पे भी उन्हें पब्लिक गुड लगता है। उसमें एक स्टेटमेंट आई थी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बेसिकली एक ना आज गवर्नमेंट की एक स्कीम पेपर में आई हुई है, मनरेगा। आपने सुनी होगी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये सरकार का ना एक एक्ट है, कोई भी इंडिया में, कोई भी पर्सन इंडिया में अनस्किल्ड, इस वर्ड को याद रखना, पहले तो मैं मनरेगा बारे बता दूं, इंडिया के अंदर किसी को भी काम चाहिए अनस्किल्ड, यानी कि तुम्हारे पास स्किल भी होनी नहीं चाहिए, किसी भी इंडिया के अंदर एडल्ट को काम चाहिए, उसे सरकार की तरफ से 100 डेज गारंटी किए जाते हैं। मतलब फैमिली के किसी एक मेंबर को अनस्किल्ड वर्कर के 100 दिन साल के गारंटी किए जाते हैं कि उसे काम मिलेगा ही मिलेगा। उसे करना क्या होता है कि अपनी गांव की ग्राम पंचायत के पास जाके काम मांगना होता है। ग्राम पंचायत का काम है कि 15 दिन के अंदर अंदर काम अरेंज करके दे। अगर नहीं भी अरेंज कर पाती तो सरकार की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन मिलती है 100 दिन की, यानी कि फिर तुम्हें घर बैठे बैठे पैसा मिलेगा अगर काम नहीं अरेंज हो पाया। तो लिटरली अनस्किल्ड वर्क में एक टाइम पे ये भी होता था कि आज कहते थे खड्डे खोदो, अगले दिन कहते थे खड्डे भर दो, ताकि रोज के बस पैसे देने हैं, ठीक है। अब तो खैर किसी प्रोडक्टिव एसेट के लिए हम यूज करने लग गए। अब मनरेगा का प्रिंसिपल ये है कि जो भी काम होगा उससे कोई प्रोडक्टिव एसेट बनना चाहिए। तो रिवर्स और लेक्स जैसे उनके बीच में जो वीड्स उगाती हैं वो साफ करवा ली जाती हैं, ऐसे ऐसे काम होते हैं, ठीक है। पर आपके 100 दिन की गारंटी है सरकार की। अब इसके अंदर जो आपको एक्चुअली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ज्यादा जो टॉपिक इसके अंदर लंबा कवर भी किया हुआ है, इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं आपके, जैसे जो वेज सीख कर रहा है, फिर जो ग्राम सभा होती है, फिर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक लेवल, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंटर की मिनिस्ट्री है, एज अ सिविल सोसाइटी तुम्हारा क्या काम है, और अदर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उससे पूरी तरह लिस्ट कर दिया मैंने। पढ़ने के लिए बहुत कुछ काम है इसमें, पर मैंने एक तरह से लिस्ट कर दिया। अब इसके बीच में कोई भी ऑप्शन बनेगा ना, एक तो वो तुम गेस कर सकते हो, दूसरा ये करंट अफेयर क्यों बना वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन सकती है। सी हुआ क्या है, जो आपका मिजोरम है ना, मिजोरम को म्यांमार की बॉर्डर टच करती है। इस टाइम म्यांमार का आपने करंट अफेयर में सुना ही होगा, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा दिया है। तो वहां से ना लोग भाग भाग के या तो बांग्लादेश या इंडिया की तरफ भाग के आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंटर की सरकार है, उसने तो ये कहा है कि जितने भी रिफ्यूजी इंडिया में आएंगे हम उन्हें वापस म्यांमार की सरकार को दे देंगे, हमें नहीं चाहिए रिफ्यूजी। पर इंडिया की कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बात क्या है, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये रहा इंडिया, इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, ये म्यांमार इसके साथ ही, ये सारा म्यांमार है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आ गया। यहाँ पे ना दोनों साइड ना ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, ज्यादातर ट्राइबल्स हैं, उनके लिए ये कंट्रीज की बॉर्डर्स मैटर नहीं करती, उनके रिश्तेदार दोनों साइड हैं। तो वो अपने रिश्तेदारों को, अब वहां की गवर्नमेंट्स में भी ये सेंटिमेंट है कि इनके रिश्तेदार म्यांमार में भी हैं, तो
तो वैसे ही मिजोरम की गवर्नमेंट ने क्या किया, मिजोरम की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है जो एक्चुअली एक मनरेगा के अंदर चीज को पॉइंट आउट करता है, जो क्वेश्चन बन सकता है। मिजोरम की गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपकी मनरेगा का काम जो म्यांमार से रिफ्यूजी आ रहे हैं उन्हें भी गारंटी कर दिया कि अगर वो मनरेगा में एनरोल करना चाहे इंडिया में आके, उन्हें भी मनरेगा काम मिल जाएगा। यानी कि मनरेगा के लिए सिटीजन इंडिया का होना जरूरी नहीं है, ठीक है? इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स, अगर आपको ये आ जाए, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गेट वर्क अंडर मनरेगा, ये स्टेटमेंट सही होगी? नहीं, ये अपने आप में गलत होगी, क्योंकि न्यूज ही ये बनी है कि मिजोरम गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मनरेगा का काम म्यांमार के रिफ्यूजीज को भी दिया जाएगा। सिटीजन तो म्यांमार के ही है और वह मनरेगा में काम कर पा रहे हैं ना, तो वो चीज। और दूसरा, जैसे ये चीज भी इंफॉर्मेशन मुझे उसकी स्कीम में मिल गई सारी की सारी, तो मैंने आज सारी लिख दी, इसे एक बार पढ़ लेना, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं वो वाला स्पेसिफिक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो आज की सो पीडीएफ फाइल सारा पढ़ लेना। सो मनरेगा च सिर्फ जरूरी है कि रूरल या अर्बन च कोई फर्क ता नहीं, कि रूरल च होएगा या अर्बन च नहीं होएगी? ये अर्बन में मनरेगा नहीं होती, अर्बन जगहों पे मनरेगा एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो शहर है ना शहरों में मनरेगा नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? नाम महात्मा गांधी अच्छा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, ये शहरों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये भी स्टेटमेंट बन सकती है। पर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमेशा जब भी सोचना है, लेट्स सपोज तुमने ये ना भी क्वेश्चन पूछा होता, नाम ही दोबारा से पढ़ के देखना, ठीक है? कई बार आंसर बिल्कुल सामने होते हैं, ठीक है? उस चीज को ये शहरों में अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि तभी तो यहाँ ये देखो जो आपके की स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि किन किन का रोल है उसमें, शहर की कोई बॉडी नहीं है, बट सर, शहरां च पंचायत। भी तो बहुत इदां दे लोग हुंदे आ जिन्हां कोल स्किल्स ही नहीं हुंदियां, गरीब हुंदे आ, फिर उन्हां लई नहीं कुछ इदां दा बनिया हैगा? नहीं, उनके लिए उन्हें स्ट्रगल करने छोड़ दिए गए, उन्हें नहीं बोला गया। सरकारों का तो वैसे भी माइंडसेट देखो ना, कि सरकार तो वैसे ही गरीबों को शहरों से बाहर निकालने लगी रहती है, जो इनके लिए स्लम्स तोड़ के हम जो घर बनाते हैं, इनके घर हमेशा शहर से बाहर जाके बने होते हैं, तो बेचारों को कितना तो रोज साइकिल करके शहर में आना पड़ता है। सरकार का तो माइंडसेट ही ये बना हुआ है, ऐसा थोड़ी है जहां से स्लम तोड़े वहीं पे घर बना देते हैं। तो जो दिल्ली में स्लम तोड़े, दिल्ली से बाहर है स्लम, वो बेचारे अब रोज 1.5 घंटा तो साइकिल करके आते हैं अपने काम पे। तो इसीलिए स्लम्स शहर से खत्म होते हैं, कहीं और स्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि तो लोग इतनी दूर रह ही नहीं पाते, रोज ट्रैवलिंग ही बहुत औखी है, इसलिए वो फिर से आके स्लम बना लेते हैं। क्लियर है? ये सारी डिटेल लिख दी है, कोई भी स्टेटमेंट बनेगी तो। लास्ट ईयर एम्प्लॉयड भी एक बार ऐसे ही न्यूज में आई थी, एम्प्लॉयड का किसी ने क्वेश्चन पूछा था लोकसभा में, ठीक है? कि उसकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बेसिकली क्या रोल है, इसने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा था और वो आपके पेपर में आ गया। तो आपको इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बारी अच्छे से याद कर लोगे, आधे पॉइंट्स तो सब में रिपीट ही होते हैं, सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है, आधे ही पॉइंट्स अलग होंगे, वो वाले बस पॉइंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट, इंडिया का एक एक्ट जो बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट। देखो ये एक्ट पहले तो बनाना क्यों हमें पड़ा था, ये 2012 में एक्ट आया था, ये बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि आपके ना बच्चों की 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनके लिए, उनकी सेक्सुअल सेफ्टी के लिए एक्ट है। हमारे जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये शो करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से ही
सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है हमारे, और अगर स्ट्रेंज फैक्ट्स बताऊं कि ज्यादातर सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे लोगों से होती है जो नोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें घर का एक्सेस आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये खतरनाक जो फैक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट होती क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हो, सेक्सुअल हरासमेंट वर्बल या मेंटल भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों को किसी भी ऐसी चीज से एक्सपोज करना जो उनकी एज के लिए इनएप्रोप्रिएट है, उनके लिए सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों के लिए ले डाउन करती है कि अगर बच्चों को ऐसी किस चीज से फेस करना पड़े, उनका एक तो ट्रायल चलती हो, उसके बाद उनके ट्रायल में बहुत सारी लीनियंसीज रखी जाती है। जैसे एक बच्चे को जरूरी नहीं है कि विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए, ठीक है, उन्हें पर्सनली जो एक जज है वो अपने कैबिन में भी उसकी जो गवाही है वो ले सकता है, ठीक है। तो बहुत ही रिलैक्स मैनर में ये होता है कि तुम्हें पूरे कोर्ट के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पर्सनल उसमें भी बोल सकते हैं। बच्चे को पेश होने की भी जरूरत नहीं, अगर वो चाहे तो सिर्फ वीडियो कॉल पे भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जल्दी हो, उन्हें सजा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मिले जो ऐसे लोगों ने किया है, जो भी ऐसा क्राइम, उस चीज के लिए ये एक्ट बनाया गया, उसके सारे प्रोविजन वही चीजें, मतलब जो मैंने अभी बोली है वही चीजें लिखी है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, आपके वेस्टर्न घाट्स में एक ना पहाड़ है, हिल्स है, अगस्त मलाई। आपके वेस्टर्न घाट्स में हिल्स है अगस्त मलाई, ये जो हिल्स है यहाँ पे एक बटरफ्लाई की नई स्पीशीज मिली है, मतलब करंट अफेयर ये था, ठीक है। इंडिया में बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज मिलती रहती हैं, खासकर वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है स्पीशीज की, इसलिए वेस्टर्न घाट्स में आपकी अलग अलग जानवर उनकी वैरायटीज पाई ही जाती है। अब बेसिकली इससे जो क्वेश्चन, मतलब बटरफ्लाई इतनी आपके लिए ऊपर वाला जरूरी नहीं, बस जो अखबार में था वो मैंने लिख दिया है, अलग से जो चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना वो है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अब सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखो हम ना किसी भी एरिया को, लेट्स सपोज हम वहां के इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर हम वहां पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उन्हें भी नहीं वहां से हटाना चाहते हैं। तो वहां पे हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे एरिया में नहीं बनाते, हम एक बहुत बड़े एरिया को ना बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि ह्यूमंस को सिखाओ इन्वायरमेंट के साथ कैसे रहना, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट एक साथ हो जाता है, ठीक है, एक ही जगह पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपके 2001 में बनाया गया था, ये आपके सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है। देखो वेस्टर्न घाट्स क्या है, आपके ना साउथ इंडिया में एक माउंटेन रेंज, आपका इंडिया है, यहाँ पे पूरी इंडिया के साथ साथ ना ये नीचे वाले एरिया में माउंटेन रेंज जाती है, ये जो लाल लाल दिख रहा है, ठीक है, ये पूरी माउंटेन रेंज है, इन्हें कहते हैं वेस्टर्न घाट, और यही दूसरी साइड पे ये टूटी हुई है, इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो ये दो माउंटेन रेंजेस है, ये वेस्टर्न घाट्स बार बार आपको कई बार करंट अफेयर में दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को लेके। तो इसके अंदर कौन सी, ये देखो मैंने बोला बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर ही प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं, इसी के अंदर लोग भी अलग अलग बीच बीच में रह रहे होते हैं। तो इसके अंदर कौन से प्रोटेक्टेड, ये जो सबसे पहले तो केरला और तमिलनाडु के बीच में, दो स्टेट्स को कवर करता है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बीच में ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। तो आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे इस साल भी आया हुआ था एक एनवायरनमेंट का, ये बायोस्फीयर का क्वेश्चन आया हुआ था कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब अब मुझे वो नहीं याद किस बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा था, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाली स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इस तरीके से हमने याद करने हैं। देखो पहले ही चीजें शॉर्टेंड हैं, मतलब तुम्हें सारा तो नहीं पढ़ना, पर जितना करंट अफेयर में लिखा गया है उसे बस डिटेल से पढ़ना, ठीक है, बार बार पढ़ो, जितनी बारी पढ़ोगे चीज रिवाइज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और शोल, शोल बेसिकली इंडिया में किस चीज को बोला जाता है, ग्रासलैंड्स को, हमने एनवायरनमेंट में थोड़े लेक्चर पहले पढ़ा था,
ग्रासलैंड्स होते हैं इंडिया में, जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, जहां पे पूरे लैंड सिस्टम में सिर्फ यहाँ तो ग्रासेस उगते हैं या स्टंटेड ट्रीज. स्टंटेड का मतलब होता है छोटा, स्टंटेड ट्रीज. तो यहाँ तो आपके ग्रासलैंड्स होंगे या बीच बीच में आपके स्टंटेड ट्रीज होते हैं, इन्हें शोल के एरिया कहते हैं. ठीक है, छोटे साइज के पेड़ होते हैं यहाँ पे, पेड़ों को ज्यादा हाइट नहीं पकड़ पाते क्योंकि शोल के एरिया वो है जहाँ पे बारिश कम होती है. ठीक है, तो बारिश के कारण क्या होता है, यहाँ तो पेड़ उगते ही नहीं है, सारी जगह ग्रासेस है. यहाँ जहाँ पेड़ उगेंगे भी थोड़े थोड़े गैप पे उगते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं, वो हाइट नहीं पकड़ पाते. नेक्स्ट, एक आपको पता है इंडिया में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन से एक रिवर आपके करंट अफेयर में है. ये जो बराक वैली है ना आपके असम में, एक्चुअली बराक वैली का नाम आता है बराक रिवर से. आपको हमेशा इलाकों के अकॉर्डिंग रिवर्स मैच करने को आ सकती हैं. ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में वैसे करेंगे, पर यहाँ पे मैं बता दूं कि मैच द फॉलोइंग का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, बराक रिवर आपकी असम में है, असम से फ्लो करती है. ठीक है, तो इस चीज को बस याद रखना, ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन के आता होता है कि ये रिवर्स को मैच करो. इस साल एक इंटरनेशनल का क्वेश्चन आया हुआ था. हाँ, इस साल जो क्वेश्चन आया था रिवर्स के मैच द फॉलोइंग का, वो इंटरनेशनल लेवल का था. तो बेसिकली क्या था, एक अफ्रीका की रिवर दी थी, एक यूरोप की रिवर दी थी. तो इन सबको, दो यूरोप की रिवर दी थी, एक अफ्रीका की रिवर दी थी, उन्हें कंट्रीज से मैच करना था. तो वो चीजें एटलस में हम कवर जरूर करेंगे, उस चीज की टेंशन मत लेना. ठीक है, वो चीजें भी कवर होंगी, पर जो जो चीजें करंट अफेयर में, ज्योग्राफी पढ़नी इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि तुम करंट अफेयर में रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का. लॉन्ग टर्म में यही तो सारी दुनिया को जोड़ देगा. आज कोई कंट्री न्यूज में है, कल कोई कंट्री न्यूज में है, उसके सारे हमने आसपास के पड़ोसी देख लिए, अपने आप सारी ज्योग्राफी हो जाती है. ठीक है, तो मैप इसी तरीके से कवर होगा. सारी दुनिया एक साथ याद करने को निकलोगे तो बहुत मुश्किल होगी, थोड़ा थोड़ा करके याद करो, अपने आप याद हो जाएगा. क्लियर है जसकरण? ठीक है, तो ये थे आपके आज के